Welcome to Time News Studios. You are watching 5 p.m. Bulletin. सिंध जो मानो समझे तो ही साजिश थी नव इसराइल ठाण की का भी हथ चुनाव 1940 करादा से थी थी असा के बेसिक एग्रीमेंट से थी थी सिंध जो मानो बर्दाश्त कौन कर बदउनवान सियासी पार्टी जका है वो अपनी कुर्सी बचाने खातिर सिंध जो जमीनू सिंध जो पानी सिंध जा बेट सिंध जा शहर लिखी दई छड़े थी मुआहदे ते सही भी करे था अचन ए इते सिंध में वरी जुलूस भी कडन था जेस ताई सिंध जो एक भी बच्चो जिंदा हुंदो जेस ताई एक भी सिंधी जिंदा हुंदो त कें के भी या जरूरत न हुंदी त के सिंधन जे माग मकानन ते कब्जो करे सकंदो या उनन ते हावी थी सकंदो। सिंध के बेटन से वफाकी वालार ई कोसल अथॉरिटी के क्याम खिलाफ़ धरती धड़ी सरापा एहतजाज बनल। कराची में अवामी तहरीक के सर से कोसल अथॉरिटी के क्याम लाए गुज गो में जारी कल ऑर्डिनेंस खिलाफ़ मार्च। रीगल चौक का प्रेस क्लब ताई मार्च दौरान औरतों ने बारह सूदों वे अंग में मानू की शिरकत। जलसे के खिताब दौरान अगवाणन तरफा कोस्टल अथॉरिटी जो ऑर्डिनेंस सिंध के वसीलन से कब्जे की साजिश करार। अगवाणन है तो डिघे अरसे का सिंध के वसीलन से कब्जन की साजिश जारी है। सिंध हुकूमत उन साजिश का हिस्सों बण के गैर आयरी तौर जारी थल ऑर्डिनेंस से खामोशी अख्तियार कर वरती है। कोस्टल अथॉरिटी से ऑर्डिनेंस की वापसी ताई जदोजहद जारी रखने के अजम जो बेजहार। सिंध के बेटन से कब्जे लाए आयलैंड अथॉरिटी के क्याम वाले ऑर्डिनेंस के रद्द करे थी। सोशल मीडिया से डेंगी मुंडार बेटन से वफाकी वालार की कोशिश खिलाफ सख्त रद्दअमल। ट्विटर से सिंध रिजेक्ट्स आयलैंड ऑर्डिनेंस टॉप ट्रेंड्स में शामिल। एसटीपी सरबराह कादर मक्सी ट्वीट बयान में है सिंध के वसीलन से कब्जे की साजिश को अवामी ताकत से मुकाबलो किया वो। कानूनी माहिरन जो चवण है सूबाई हदन से वालार वाली कोशिश के नाकाम बनाने ला सिंध असेंबली में सदारती ऑर्डिनेंस के रद्द कर सकते तो गैर आयरी तौर ऑर्डिनेंस जारी करते सदर खिलाफ रेफरेंस भी आने सकते तो मुल्क के मुख्तलिफ सियासी पार्टीज या अखबारों आईनी सुनाण घुरन तरफा पैंने ट्वीट पैगाम में अथॉरिटी खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कर सिंध के आवाम से बदी जो इजहार। आइलैंड के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी किया फेडरल गवर्नमेंट वो इंतहाई गलत है। जो जेका जमीन है उनकी मिलकियत हमेशा सूबाई हुकूमत की होंगी है। उन आइलैंड से जैसे डेवलपमेंट थियणी भी है तो वह सूबाई हुकूमत की मर्जी की उनकी मालिकी में थी उत रहायशी कराची या उन आइलैंड जहाँ उन मर्जी और उन मफादात के खिलाफ का डेवलपमेंट नहीं थी सके अस बिल्कुल क्लियर आयो। डिघे और बुढ़ार बेट से सिंध सरकार की मिल्कियत सूबाई हुकूमत और मकामी मानून की मर्जी बिना का भी तरक्की कबूल ना है। सूबाई वजीर सईद गनी कोस्टल अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के गलत करार दींदे है तो अस तरक्की के खिलाफ ना पर मेटन से तरक्की मकामी मानून की मर्जी पटांदड़ थन घुर्जे। ऑर्डिनेंस गलत है सिंध सरकार उन मौकफ़ वाजे कंदी। कराची में नफरत की सियासत खत्म करने लाए पीपल्स पार्टी की कराची यकजहती के मौजू से रैली जारी। आयशा मंजिल का निकल रैली मंजिल तरफ रवान हवा। पीपल्स पार्टी जहाँ वे तादाद में अगवान और कारकुन रैली में शामिल। रैली प्रेस मार्केट में पहुंचने बाद जलसे में तब्दील की वी जिते अगवान तरफा खिताब किया वो। सूबाई वजीर सईद गनी के चवण है तो पीटीआई भी मुतहदा जहाँ कराची में नफरत की सियासत जो बिज छटे रही है। रैली जरिए पैगाम दींदी तो कराची जो आवाम नफरत की सियासत के रद्द करे तो अड़ी का भी साजिश कई वही तो अवामी ताकत से उनके नाकाम बनाया वो। इमरान खान बहादुर मानू है कें भी दबाव में नहीं दो अपोजिशन के का रियायत न मिली।
वफाकी वजीर शिबली फराज मुल्क में बिजली और आम वाहिपे जो शयूं महांगो थियण जो जिम्मेवार अपोजिशन के करार दीने घुसल हुकूमत रुगो माली बहरान विरसे में छड़ी वही हुई। वजीर आजम इमरान खान इकदार संभालियो तो कर्जन की अदायगी जो चैलेंज हो। अपोजिशन बारन पैंजन हुकूमती दौर में रिश्वत की बाजार गरम कई। हाँ नैब उन पोया है तो उनका भी कारण हूँ। चोरी तोड़े फुरलुट के केसिस में जमानतू वठंदर जेल भोगींदड़ कड़े मुंह से महंगाई जहा भाषण दई रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान नवाज लीग से तनकीद कदे शिबली फराज तो तवा इदार के ब्लैकमेल करण घुरो था पर ये नो नवाज लीग अड़े अदलिया चाहे थी जहां सदन मर्जी मौजी फैसला दे उ कें भी आर्मी चीफ से भी चाहे ना हल्या। नवाज लीग अगवान रिटायर्ड कैप्टन सफदर खिलाफ़ सरकार की मुदैयत में बगावत जो केस दाखिल। गुजरांवाला के सैटेलाइट थाने के SHO की मुदैयत में बगावत जो केस दाखिल किया गया। नवाज लीग MPA खालिद भट्ट को जवाबदार नामजद केस में मौके पर इख्तियार किया गया है। रिटायर्ड कैप्टन सफदर जुमे ने MPA खालिद भट्ट की रिहाइश गाह मुलाकात कई जै दौरान रियासी इदार खिलाफ़ हड़कायण और धमकियों के लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। केस में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी लाए खसूसी टीम भी जोड़ी वही। चिल्हार में लजलुट और ब्लैकमेलिंग जो शिकार नारी मूमल मेघवाड़ के आबकात वाले वाक़े खिलाफ़ एहतजाज जारी। मीरपुर खास कड़ो गवर में मेघवाड़ बिरादरी सिविल सोसाइटी के नुमाइंदन तरफा मुजाहरों हथ में बैनर से प्ले कार्ड खेल मुजाहरीन तरफा मूमल के वारसन के इंसाफ देने लाए नारा। अखबारों का चवण है तो मूमल मेघवाड़ के इजमाई लजलुट निशानों बढ़ाईदड़ जवाबदार भासर हैं तं कर पुलिस सदन खिलाफ़ का भी कार्रवाई नी करे। नतीजे में दिल बर्दाश्ता थी मूमल मेघवाड़ पैं जिंदगी जो ओ उछाए छो। हुकूमती इदारा मूमल के केस में इंसाफ कर हवा डायन के तहफ़ लाए किरदार अदा कन। मूमल मेघवाड़ के वारसन जवाबदार आदम दिल के मामले के भी जांच में शामिल कर मुतालबो कदे है तो नारन से ज्यादतन में मुलविस सजे गिरोह के केफरे किरदार तई पहुँचाए वे। बरतानिया के शहर बरनली में सिंध आई डॉक्टर सुमन बलोच ई संदी वेन मंगरियो च लाश हथ अचन वे मामले नौ रुख अख्तियार कर वरतो। अणजात जवाबदारन तरफा डॉक्टर सुमन के घुटा दई कतल कर संदी के बाहर इसारण जो इंकशाफ। बरतानवी पुलिस मकतूल के वारसन के जांच का आगाह कर छो। डॉक्टर शौकत मेमन के चवण डॉक्टर शौकत मंगरियो जो चवण है तो बरतानवी पुलिस वाक़े वे कतल वे रुख में जांच कर छी है। वो पान भी सुे लंडन वही रो है। सिंध के सरमोर शहर शादलती भिटाई के सालियाने उर्स चूं टिन ढीन वाली सरकारी तकरीबों पुजानी से पहुंचू। सकाफत खाते के वजीर सरदार शाह तरफा जिंदगी के मुख्तलिफ शोबन से वासो रखंदड़ 8 शख्सियत में मान्यता तौर लतीफ़ एवॉर्ड दिना पा। एवॉर्ड मानींदड़ में रागी वरियाम फकीर रफीक फकीर हारमोनियम बजाईंदड़ पीर बख्श आई सुगर अब्दुल कादिर खत्री शामिल। लतीफ़ात की कैटेगरी में सोनू खान उर्फ सरबत चांजो सिंधी कंप्यूटिंग में आई शाद रिसाले के मोबाइल एप्लीकेशन ठाण से भले दिनों उर्फ राजा सान के लतीफ़ एवॉर्ड दिनों पो। सादगी से थियल तकरीबा दौरान सकाफत खाते तरफा छपायल 6 किताबन जो मुहूर्त किया गया। सूबाई वजीर सरदार शाह चाहिए है तो कोरोना की सूरत हाल सबब उर्सी तकरीबन के मुलतवी किया गया हो तें हूंदे भी वे तादाद में पांजन की आमद सबब SOPs के अमल लाए दुख्यान के मुंह जड़ो पो। सिंध के मुख्तलिफ इलाकन में पेश आयल हादसन दौरान सब इंस्पेक्टर सुधो 7 जना जल के शिकार। नौशर फिरोज बरसा तेज रफ्तार कोच के टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 2 जना फौत। हादसे बाद कोच ड्राइवर फरार। फौत में खानपुर महर वासी मोहम्मद नवाज महर और जलाल मलिक शामिल। रानीपुर भरसा घोट अली आबाद वसाण में ट्रॉलर जो मोटरसाइकिल के टक्कर। नीगर कमाल वसाण अजल जो शिकार। पुलिस ट्रॉलर ड्राइवर के गिरफ्तार कर वरतो। घोटकी बरसा बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी से पेश आयल हादसे में जख्मी थियल इंस्पेक्टर अब्दुल जब्बार अब्बासी जख्म ज सून सादे फौत। हादसे में फौत थियल एहलकार अंग वधी चार थी वयो। सख के बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी से जून महीने में हादसो पेश आयो हो। घोटकी में मासूम नीगर से बदफेली करण वे मामले के जरगे दौरान दोह जो एतराफ़ कदड़ जवाबदार मथा 6 लख रुपया दंड मुकर। अनवर खान शाहानी की सरपैजी हेठ थियल जरगे दौरान धुरियन जो मौकफ़ बुधण बाद फतवा जारी। जरगे दौरान जवाबदार शहबाज भुट्टो एजाज सुमरो तरफा नीगर से बदफेली जो एतराफ़। मुतासर धुर जवाबदार के दंड की रकम में 2 लख रुपया मुआफ़ कर छ्या। 2 लख रुपया तड़े से अदा किया गया।
जरगे में फैसलो किया तो जवाबदार रहियल ब लख रुपया मुतासर धुर के टिन किस्त में अदा कंदा। जरियन की चवण है तो घोटकी थाने के एस एच ओ के केस खत्म करने लाए 50,000 रुपया देने जो भी फैसलो किया वो। सिंध में बरसात इस्तेमाल के लगल घारन सबब मुतासर थियल केतरों इलाक में अजा ताई पानी बीठल। इंतजामिया एक महीनों गुजरी वन बावजूद मुतासर इलाक में पानी निकाल कर में नाकाम। खिपरो तालके के केतरों गोठन में पानी बीठल होजन सबब सवे खानदान रस्तन बंदन के किनारन से जिंदगी गुजारण से मजबूर। गोठाना पैंकी मदद पान तहत घर में पानी निकाल कर कोशिश में रुधल। मुतासर है तो पीने जो पानी न मिलने सबब गदलो पानी वापरण से मजबूर आयू। इंतजामिया न तो पानी निकाल कर कख बनी वीणो कर नई हेल ताई मुतासर की सार लधी। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में ब कोरोना जा मरीज फौत थी व्या। फौत में कासिमाबाद वासी अदरोज शख्स मोहम्मद बख्श नूर नौशर फिरोज वासी पीरसन मोहम्मद शफी शामिल। फौतन के लाश SOPs तहत दफनाया वा। जामशोरों भरसा कराची वाह में बुड़ी वेल नीगर अजीज भट्टी चुलाश हथ मकामी टोबन बिन कलाक की कोशिशन बाद नीगर चुलाश हथ कर वरतो। नीगर दोस्तों से गड कराची वाह में वीची रहे हो तो बुड़ी फौत थी वो लाश घर पहुंचने से कोरहम बरपा। कोरोना लॉकडाउन सबब हरम शरीफ में दाखिला से लगायल पाबंदी 7 महीनों का खत्म। सऊदी अरब में मकामी शहरों उते तरसल परदेहन के अज का उम्रो अदा कर इजाजत। अख्तियारन तरफा कोरोना का बचा लाए SOPs से अमल लाजमी करार। पहले मरहले में रोजानो 6,000 पांधियड़न के मस्जिद अल हराम में वन की इजाजत दी वही। 18 अक्टूबर का रोजानो 15,000 पांधियड़ा उम्रो 40,000 मानू मस्जिद अल हराम में नमाज अदा कर सकंदा। ठीक आया पर इंदर कुछ दिन में असल इम्तहान होंद। कोरोना में मुबतला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट बयान में संदस सेहत के बारे में अफवाह के रद्द कर छोड़ो। ट्रंप है तो कोरोना के इलाज बाद संदस सेहत में बेहतरी अची रही है। ट्रंप के कोरोना बाद सेहत खराब थियण के घुर्सल ही अस्पताल मुंतकिल किया वो हो। कोरोना में मुबतला संदस घरवारी मेलानिया ट्रंप जो भी इलाज जारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में भलीकार माहिया शाहिद सियाल हेडलाइंस वाली चूं। बुलेटिन की शुरुआत नासी शॉर्ट ब्रेक का पोए।